सदा सुहागन रहो बेटा। अरे मैंने सुना है लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, अब तुम ही बताओ जोड़ी जमेंगी कैसे? ये जोड़ी जमे या न जमे, लेकिन चमक मालदार का दामाद तो हो गया। गंगा आई माता जी, बहू रानी को ऊपर के कमरे में ले जा। चमक, ओ, 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 अरे ओ चमक, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? तंग कहां करता हूं भैया? क्या कर रहे हो? एक बात मानोगे? कहो। ये हार मुझे दे दो। ये हार? बात तो खराब नहीं भाई, शादी का है भाई ये। मुझे मालूम है भाई। क्यों भाई? सुना है कि दुल्हा का हार पहनने से शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, तो भैया ये हार लो, ये साफा भी लो, चाहे कोई शेरवानी। जान छूटे भाई लोग तुम्हारे। बन्नो, मेरा तो जी चाहता है थोड़ी देर के लिए मैं ही मास्टर बन जाऊं। अरे वो दिल पे होश में रहो, होश में। अगर तेरा ये हाल रहा तो हमारे मास्टर जी का क्या होगा? होगा क्या, बेचारा स्कूल की नौकरी छोड़कर बन्नो को ही देखता रहेगा। क्यों बन्नो, ठीक है ना? हटो जी, हमें ये मजाक पसंद नहीं। अच्छा जी, अब तो तुम्हें हमारा मजाक भी पसंद नहीं, बहुत अच्छा। नमस्ते। बेटा, ओ बेटा, मासी जी, ओ मासी जी, मासी जी, क्या है? अरे तू भी जा रही है क्या? जी मासी जी, देर हो गई है ना। अच्छा नमस्ते। नमस्ते मासी जी। क्या है बेटा? दुल्हन अकेली है, ख्याल रखिएगा कहीं डर ना जाए। चल शरीर कहीं की। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा। ओ बेटा चमक, ओ बेटा। मुन्ने, मुन्ने, उठो बेटा। अब छोड़िए, क्यों तंग कर रहा है खामखा के लिए? अब माँ, ओ माँ, माफ करना। यहाँ क्यों सो गए बेटा? देखो ना माँ, सब लोग मुझे तंग कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ सो गया। अच्छा अच्छा, उठो। माँ चप्पल लो। हाँ बड़े भगवान हो बेटा, चांद सी बहू मिली है। सच माँ? चलो मुझे बताओ ना। आओ आओ ना माँ, आओ ना माँ। अरे अरे क्या करता है, मेरे हाथ में दर्द होने लगा। आई एम वेरी सॉरी माँ। बड़ा भूला है तू। देखो मुन्ने, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। वैसे तो तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना बेटा कि कभी कभी जरा सी भूल हो जाने से इंसान का पूरा जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए बहू रानी से बहुत सोच समझकर बातें करना मेरे लाल। सच? अगर ये बात है माँ, तो मैं उसे कोई बात ही नहीं करूंगा। हाँ। अरे मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं, बोलो बातें करो, लेकिन बेटा मीठी मीठी। ना माँ ना, आप मीठी मीठी बातें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शक्कर पे कंट्रोल है, और माँ ब्लैक मार्केट से खरीदना पाप है, तू नहीं जानती, जेल की सजा होती है। राम 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 राम, शादी के दिन ऐसे बोल नहीं बोला करते। अच्छा बेटा, जा, बहू रानी तेरा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है? हाँ बेटा। लेकिन माँ मैं अकेला जाऊं? अरे ठहर, माता जी को नमस्ते करते चले। माता जी, ओ माता जी। अरे चल, बहुत देर हो गई है। लाले
माँ माँ क्या हुआ बेटा? मुझे डर लगता है माँ। डरने की क्या बात है बेटा, जा। कोई बात नहीं माँ। नहीं तो जाऊं? हाँ जाओ तो कह रही थी बिल्ली रास्ता काटने से अपशगुन होता है। अरे बाबा ये तो घर की बिल्ली है, इससे क्या होता है? तो घर की बिल्ली से अपशगुन नहीं होता? नहीं तो सॉरी माँ जाता हूँ। भगवान आज इस घर में चारों तरफ खुशियां नाच रही हैं। काश वो जिंदा होते। लो बच्चों तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ। बार बार खाना अच्छा नहीं माँ जी, हम घर से बहुत कुछ खा कर आए हैं। झूठ क्यों बोलती है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। शर्माती क्यों हो, ये बहुत अच्छी चीज है, लो। शीला बेटा खाना खा कर आई है तो थोड़ा सा फ्रूट खा लो। ए चुटकी क्यों काटती है? छोटे बच्चों को चुटकी नहीं लिया करते बेटा। लो तुम दोनों खाओ, मैं अभी आती हूँ। बहुरानी, ओ बहुरानी। जी माँ जी। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, मायके से बुलावा आया है। अभी आई। मायके से बुलावा आया है। अरे तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, और खाओ ना। अम्मा क्या है बेटा? अरे यही कह देना, क्या बात है? लेकिन माँ उधर भी इधर भी रहो ना। बात ये अम्मा कि दूसरे पर जरूरी बात है, आओ ना। अरे माँ माँ। अरे मैं यहाँ हूँ। माँ मैं भी तैयार हूँ, जाऊँ? कहाँ? मैके। अरे उन लोगों ने तुझे तो नहीं बुलाया। मुझे नहीं बुलाया? मुझे नहीं बुलाया तो ना सही। माँ अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। लेकिन माँ क्या है? एक बात, आप अगर उन्हें बुलाया ना तो साफ साफ कह देना कि मुझे फुर्सत नहीं, आई एम वेरी बिजी। अच्छा अच्छा। मैं कहता हूँ खामोश खामोश खामोश। चल अपनी जगह पर जा। जाता है ना, मान देगा तो। अरे क्या सबके सब बहरे हो गए, मेरी कोई नहीं सुनता। तुम कौन होते हो जी हमें हुक्म देने वाले? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अच्छा जी, तो तुम हमारे मास्टर हो। बोला जरा सूरत तो देखिए हमारे मास्टर की। आपको तो सबक याद नहीं होता और चले दूसरों को पढ़ाने। बोला खामोश। बोला ये अच्छी बात नहीं, देखिए ना मास्टर जी। बोला कहता है कि आज हमारे मास्टर जी नहा कर नहीं आए। मंजू हो सकता है कि मास्टर के घर में पानी ना आया हो। शट अप बनवारी, तुम उठो। जी मास्टर जी। अच्छा ये बताओ, अगर कमरा 10 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा हो तो मेरी उम्र क्या होनी चाहिए? मंजू मास्टर जी ने क्या सवाल पूछा है? मालूम होता है मास्टर जी का स्क्रू जरा ढीला हो गया है। देखिए मास्टर जी ये सब तो डर गए, मैं बताऊं? अच्छी बात, तुम ही बताओ। देखिए मास्टर जी
अगर कमरा 10 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा हो तो आपकी उम्र बराबर 12 बरस की होनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल ठीक। ये तुमने कैसे हिसाब लगाया मंजू? बात ये है मास्टर जी, मेरा भाई 24 बरस का है और पूरा पागल है। आप आधे पागल है ना, इसलिए आपकी उम्र 12 बरस की होनी चाहिए। चुड़ैल कहीं भी रोती है, दूंगा एक। अरे मंजू उठ, मास्टर आ रहे हैं। तौबा मेरी, जरा देर से आता हूँ तो कितना शोर शोर शोर। उठ उठ, क्यों बे दो पाव के चूहे? ये तेरे लक्षण? मैं लक्ष्मण नहीं हूँ मास्टर जी, मेरा नाम तो कैलाश है। चुप कर इसके बच्चे। पागल हो जाऊंगा मैं मास्टर। हाँ अपने भी किताब निकालो। आवाज नहीं, हाँ क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि अपनी अपनी किताबें निकालो। शाबाश। क्या मुसीबत है? इधर कबूतर, इधर बच्चे, पढ़ाओ तो किसको किसको पढ़ाओ? मास्टर जी कबूतर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ सुनो, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? किताब निकाल रहे हैं। तो निकालो। आप नींद कर रहे हैं साहब? हाँ सुनिए, आप किताब कहाँ है? देखिए ना। सुनिए, पहला सबक यह है कि जब भारत को आजादी मिली तो गंदम का भाव बढ़ गया। शालो! सुनो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि पढ़ो लिखो, ना कि सारे शो मचाओ। अरे कमबख्त कबूतरों, अंडा डालने के लिए यही सर मिला, आप सब बाकी थे। मास्टर जी, जी आपको हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं। अबे ये बात तूने पहले क्यों नहीं कह दी? पागल कहेगा। बदतमीज कहीं का
ठहरो, यहाँ बैठ जाओ। जी। वहां नहीं, कुर्सी पर। अच्छा मास्टर, देखो चमक, चार साल हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए और तुम्हारी जमात के सिर्फ चार ही लड़के पास हुए। एक? एक नहीं, चार। दो? दो नहीं, चार। मास्टर जी आप चार कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लाइन बंदी हुई है। बकवास बंद करो, जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं मास्टर जी? मैं कह रहा हूँ कि चार साल में सिर्फ चार लड़के पास हुए। इसमें मेरा क्या दोष? आप यकीन कीजिए, सात दिन में चार लकड़ियां तोड़ता हूँ, चार। उसके बाद भी अगर आपके लड़के पास नहीं होते तो मेरा क्या दोष? शर्म, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम नालायक हो। कमेटी ने इसीलिए फैसला किया है कि तुमको छुट्टी दे दी जाए। छुट्टी? कितने दिनों की मास्टर? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, यानी कि मैं डिसमिस? हाँ, डिसमिस। काश आप कुछ दिन पहले कह देते तो कम से कम शादी तो नहीं करता। रुक क्यों गए? मास्टर जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपकी ये अमानत लीजिए। गेट आउट, गेट आउट। देख लिया माँ, चमक अभी तक नहीं आया। घबराते क्यों हो, अभी आता ही होगा। घबराऊं कैसे नहीं माँ, वहां सब लोग उसका कीर्तन के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो है कि बस। अरे बैठ जाओ ना, खड़े कब तक रहोगे? किसी काम से गया होगा, अभी आ जाएगा। ओ, आप आ गए। स्कूल छुटता है 5 बजे और आप आ रहे हैं 8 बजे। क्यों बिलाल साहब? क्यों बे, आज उदास क्यों है? कुछ कहेगा भी? कुछ नहीं बग्गू, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या रट लगा रखी? सीधे मुंह बात भी करेगा? बात क्या करूं बब्बू, बदकिस्मती से हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां गुणवानों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। सजी तो ये बात है, देखो चमक, दुनिया में गुणवानों की कदर हुआ करती है, बुद्धुओं की नहीं। बग्गू इसीलिए तो मैं नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ। छोड़ दी या निकाल दिए गए? अरे निकलने और निकालने में फर्क क्या है? आहा, क्या कहने, जल्दी जाइए, मुंह धोकर आइए, कीर्तन में देर हो रही है। चाचा चमक, चाचा चाचा, चाचा भी कहता है। राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे,
कर राम भजन मन राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे बाबा हो जाए बेड़ा पार रे बाबा हो जाए बेड़ा पार रे। श्री रामचंद्र जी की कथा शुरू होती है कहो जी श्री राम। एक दिन रानी के कई बोली राम जाए बनवास ये सुनकर सब प्राणियों के रुक गए मन में श्वास। राम जी सुनकर बोले मैं तो हूँ माता का दास कोई भी चिंता ना करे जो मैं जाऊँ बनवा। तेरे जीवन की क्या आस है ओ तेरे जीवन की क्या आस है ओ तेरे जीवन की क्या आस है जग में किसकी रही शान जाने वाली है ये जान। मूर्ख कहना मेरा मान तू एक पल का है मेहमान अपने मालिक को पहचान हो जाए बेड़ा पार रे। कर राम भजन मन राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे। कर राम भजन मन राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे बाबा हो जाए बेड़ा पार रे बाबा हो जाए बेड़ा पार रे। कहो जी श्री राम। 14 बरस गुजर गए 14 बरस वन में रह कर जब लौटे वनवासी रोए वहाँ के पक्षी प्राणी वन पर छाई उदासी छोड़ चले हम सबको भगवन तोड़ चले हो सबका सहारा देखो तो भगवान जरा हर नैन से बहती धारा छोड़ चले क्यों आसरे ओ छोड़ चले क्यों आसरे ओ छोड़ चले क्यों आसरे। रोकर बोली ये शबनम देके जाते हो क्यों गम कैसे जिएंगे अब हम आंसू बहते हैं चमचम आशा लेकर बैठे हम है ये टूटे दिल की पुकार रे। कर राम भजन मन राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे। श्री राम। भन वालों की ये हालत थी तो अयोध्या वालों का क्या हाल था। बन से जब श्री राम जी अयोध्या नगरी आए हंस कर सारी प्रजा ने चरणों में नैन बिछाए खुशी खुशी हर एक प्रेमी ने
घर घर दीप जगाए, मधुर सुरों में दिवाली के नर नारी ने गाने गाए। सबसे बोले बहार ये, ओ सबसे बोले बहार ये, ओ से बोले बहार ये। नाचा हरे का तन मन, आए आए वो भगवन, आवो कर लो सब दर्शन, गावो गीत मनोरंजन। अयोध्या नगरी है दुल्हन, उठी पायल की झंकार रे, कर राम भजन मना, राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, कर राम भजन मना, राम भजन तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, बाबा हो जाए बेड़ा पार रे, बाबा हो जाए बेड़ा पार रे। कहो जी श्री राम, श्री राम। इतनी अच्छी जिंदगी है इन लोगों की, क्यों? वाकई डायरेक्टर साहब, मेरा तो दिल चाहता है कि आपकी नाटक कंपनी छोड़कर इसी गांव में रह जाओ। कितना मिठास है इसके गले में, काशी लड़का अपनी कंपनी में होता है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर बुलाइए ना। अच्छा, तो आपकी मर्जी। मिस्टर, मिस्टर मुझसे क्या कुछ आप? जी हाँ, कहिए जी। जो लड़का आपके साथ गा रहा था वो कौन है? वो आप नहीं पहचानते उसे? जी नहीं। वही जमींदार का लड़का मास्टर चमक। चमक, अजीब नाम है। और आपका नाम? मेरा, मेरा नाम है बग्गू, मेरे बाप का नाम रग्गू, मेरे दादा का नाम ठग्गू। बहुत खूब, चुनने वाले ने भी खूब नाम चुने हैं। भगवान की दया है जी, आपसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ, अभी बुलाता हूँ। चमक, चमक, चमक। सिर्फ सुरीला ही नहीं बल्कि सादगी भी है। अरे चलना, मोटर वाला बाबू बुलाना है तुम्हें। चलना, ये देख, ये देख, ये देख। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई था। अच्छा, मुझसे मिलकर आपको कोई खुशी नहीं हुई? क्यों नहीं? क्यों साहब, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो क्या, बुलवा लीजिए, हम दोनों चले आएंगे। हाँ साहब। अच्छा, हाँ तो आप अपना पता लिखा दीजिए। पता ये है कि गांव मुरारी वाला, मोहन पाठशाला, मास्टर चमक। बस हाँ। बस बस जी, बड़ा सीधा साधा पता है। हाँ। इनको तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं मास्टर हूँ। आगा। अच्छा, तो आप मास्टर हैं? जी हाँ। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई साहब, आप मास्टर भी हैं और अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा आदमी। क्या नाम था उनका? ये तो मैं पूछना भूल ही गया। भूल गया? ओ साहब, साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ, लो वो चले गए। अब क्या होगा चमक? अभी होगा क्या भग्गू, इस दुनिया में गुरुवाने को कोई कदर नहीं। अपना पता ले गए और उनका पता लापता। चल चलो। माँ, 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 आई आ गए बेटा, कीर्तन खत्म हो गए? हाँ माँ, बहुत से आदमी आए थे और तुम्हें पूछ रहे थे। कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर अभी आई। ले बेटा, दूध पी ले। Thank you.
एक बात पूछू माँ? हाँ हाँ। आज मुझे एक बहुत बड़ा आदमी मिला था, कहने लगा तुम बहुत अच्छा गाते हो, वो कौन होगा माँ? अरे मिला तुझसे और ना मुझसे पूछ रहा है, भला मैं क्या जानू? तुम नहीं जानती हो और मैं भी नाम पूछना भूल गया। अरे हाँ एक जरूरी बात तो कहना भूल ही गई। क्या? तुम्हें ससुराल से बुलावा आया है। ससुराल से बुलावा? सच? ओ माँ बुला मुझे। अरे ये तू क्या कर रहा है? क्यों माँ मुझसे कुछ कहा तुमने? मैंने कहा कि कहाँ की तैयारियां हो रही है। माँ तुमने तो कहा कि ससुराल से बुलावा है, इसलिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन अभी तो नहीं जाना। तो फिर? अरे मुन्ने मैंने तो उन्हें कल बुलवाया है। कल बुलवाया? अच्छा कोई बात नहीं माँ। क्यों उदास हो गए बेटा? नहीं माँ उदासी क्या बात है, कल चल जाऊंगा। आप ठीक कहती हैं, बात ये है यहां नौकरी तो है ही नहीं, और फिर 8-10 रोज की बात है, वहां रहेगा जी भी बहल जाएगा और कहीं अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। मैं आपको ले जाने से इनकार कभी न करती, लेकिन मुन्ने और बहुरानी के सिवा इस घर में है ही कौन जिससे मेरा जी बहल सके? इन दोनों के बगैर घर सुना सुना सा मालूम होता है। अरे तुम आओ बेटा आओ। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा, बहुत ही अच्छा लड़का। अम्मा मान जाओ ना 8-10 रोज की तो बात है। बेटा तुम बहुत समझदार हो। बाबूजी और माँ भी समझ जाएंगी, आप फिक्र न करें। माँ हाँ कर दो ना। अच्छा बाबा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा। मगर देखो बहुरानी को साथ लेकर आना। तुम चिंता न करो माँ, मैं उसके बगैर घर वापस नहीं आऊंगा। हाँ ओ आओ बेटा ओ बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा लीला की माँ? ओ लीला की माँ कितना अच्छा मकान है। आप आ गए छोटे बाबू? जी आ तो गया। बड़ी खुशी हुई। किस बात की? हम आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी बैठिए ना बैठिए। अच्छी बात है, घर कितना अच्छा। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, तुम लोग स्कूल नहीं गए? नहीं नहीं। अरे उषा ए शीला क्या कर रही हो? हम तो जीजा जी के साथ खेल रहे थे मम्मी। चलो बेटी बाहर जाकर खेलो, मैं सब इधर बैठ। जाओ नमस्ते नमस्ते। जीते रहो बेटा जीते रहो, बैठो। बहुत देर कर दी मेरे लाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह आप आ गए, बैठिए मैं अभी आई। ए,
एक बात पूछूं बेटा। जी। ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया। हाँ। उन लोगों ने तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया? उन लोगों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, ये आपसे किसने कहा? ऐसे ही सुना है। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर? वो तो मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। क्यों? बात यह है पिताजी कि आपकी कृपा से मैं था पढ़ाने लिखाने में नंबर वन। ये बात देखकर हेडमास्टर के दिल में डर पैदा हो गया कि कहीं कमेटी उसको निकाल कर मुझे ने हेडमास्टर बना दे। बेचारा रो पड़ा मेरे सामने। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ है। अब तो तुमने बहुत अच्छा किया। जी मैंने कहा बातें बनाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, पहले मेरे लाल को खाना तो खा लेने दीजिए। चलो बेटा खाना खाए। चलो। अरे उषा, शीला जल्दी आओ बेटी, जल्दी। लीला तुम भी जल्दी आओ बेटी। बैठ। अरे रे, तुम कहाँ आ गई? तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा खाना वहां मिलेगा तुम्हें। जाओ। नहीं, हम यहाँ खाना खाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारा खाना वहां लगाया गया है, जाओ। नहीं डैडी, हम जीजा जी के साथ खाएंगे। नहीं बेटा नहीं। अरे बड़ी शरीर है वो शार वालों होती है। ओ ओए, क्या हो? ऐ कुछ नहीं बेटा, बेवकूफ। उत्तर ए धर्मो, अच्छी ये फूलदान उठा दे। उधर दिया सत रहेगा तो शाह। कमाल। पियो बेटा, इंतजार की जरूरत नहीं, सब अपने ही है। अच्छा। आ आ आ आ रखो तो चम्मच से पियो। अच्छा लो चम्मच। चम्मच से कोई बात नहीं। आप करते क्यों है?
लीला, बेटी लीला। छोड़ो माँ, मुझे मेरी किस्मत पर रोने दो। लीला, अब रोने धोने से क्या होगा? कर्मों का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटी, कोई नहीं मिटा सकता। सो जा बेटा, आज तेरी माँ को बहुत से काम करने हैं। नहीं सोएगा। बेटे, आज तेरी माँ को मीटिंग में जाना है। हाँ, टेलीफोन आ गया ना, जिद्दी कहीं का। हेलो जी। जी मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, 3:30 बजे पहुंचना था ना, तो सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। मैं अभी आई। कमल जाने धर्मू कहाँ मर गया है। अरे बेटा जरा सुनो तो। अरे बेटा जरा सुनो तो, मुझे मीटिंग में जरूरी पहुंचना है। हाँ? तुम जरा मुन्ने का ख्याल रखना। मुन्ने का। यहाँ बैठो बेटा और देखो अपने जीजा जी को तंग न करना। हाँ, जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ भाई, एक पूछ देना। दे 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 दे। शाबाश, ये शाबाश, दुकान वाले और ले ले, दो चार पांच ले, चल ले खा ले। शाबाश, तू बड़ा अच्छा लड़का है। मास घर में अगर कोई है तो एक ही आदमी है। सुनना, देख देख तू ये भी ले, तू ये भी ले, ये खाना भी दे, ये सब कुछ दे। देख बात देख, तू रो तो मत, रो मत मेरे बाप, तू मत रो ना। ये रोता है, ये रोता है। अरे तू ये देख 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 तू मेरे बाप। Thank you.
खातों का जवाब दे ही डालूं, कम वक्त फुर्सत ही नहीं मिली। आज मैंने सोचा अपने लाल को बुलवाकर इन सब खातों का जवाब दे ही डालूं। पिताजी जी, इतने खातों का जवाब आज ही देना है? घबराते क्यों हो, थोड़े से तो हैं, यूं खत्म हो जाए। खत्म हो जाए पिताजी जी, मेरी फाउंटेन पेन जेब में रह गई, मैं अभी लाया। बेटा
नीचे जाने की जरूरत नहीं। ये लो पेन, आपके पास है। ये लो, इसे पढ़ो और सोच समझ कर जवाब दे दो। पिताजी इस तरफ करनी थी, उस तरफ हो गया। कोई बात नहीं, खत लिख डाले। हाँ, 25-30 लिख डाले। शाबाश पिताजी, बाकी कल लिख देने चलेगा। बाकी रह कितने गए हैं? कुछ 150 है। तो इनका भी जवाब दे दो, मैं जरा एक नींद सो जाऊं। हैं? अच्छी बात, शाबाश। आप सो जाइए, मैं खत लिखता हूँ। हाँ, जैसे कि मुझे नींद आती ही नहीं। Oh.
जब दर्द उठे Okay.
कान में बोलता है, वो चिल्ला रहा है, ये सब क्या है, तू यहाँ क्यों बैठी है? माँ देखो ना, 9:30 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई, हम स्कूल कैसे जाएं? नहीं आई तो मैं क्या करूं? शीला मुझे तंग न करो। अरे बेटी, देखा माँ, सर पे जरा सी चोट लगने से तुम्हारी कितनी बड़ी चीख निकली, मेरे तो दिल पे चोट लगी है। बेटी यहाँ तो दिल के 12 बजे है, क्या क्या बाहर क्या कहता है, क्या कहता है कि, कि, कि। ओ। मैं मुंह क्यों देख रही हूँ? आपका मुंह थोड़ी देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? मुझे आप पर तरस आता है। उस पर क्यों? इस आप पूछते हैं क्यों? इसलिए कि हमारे स्कूल में इतनी बड़ी नुमाइश लगी है जिसे आपने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, हाँ जीजा जी, वहाँ बंदर किताब पढ़ते हैं। बंदर किताब पढ़ते हैं? हाँ जीजा जी, और शेर घास खाते हैं। मजे की बात तो आपने सुनी नहीं, वहाँ एक इतना बड़ा फुवारा है जिसका पानी आसमान से लगता है, और कमाल की बात तो ये है जीजा जी कि पानी जमीन पर नहीं गिरता। यानी इतना बड़ा फुवारा है जिसका पानी आसमान तक पहुँचता है और फिर पानी जमीन पर नहीं गिरता है, तो फिर कहाँ जाता है पानी? से बादल पी जाते हैं बादल। फिर दो दिन गई है तो लाओ तब लाओ। ससुराल बड़े तो बड़े, लेकिन यहाँ के बच्चे मुझे बुद्धू समझते हैं। वार क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए आइए। क्या हो रहा है भाई? आज इतने खत आए हैं मगर मास्टर चमक का एक भी खत नहीं। कोई खत नहीं? कमाल है, मालूम होता है मास्टर चमक और खत दोनों साथ ले आएंगे। अब आप एक काम कीजिए जी, बजाय खत के रजिस्ट्री कर दीजिए। भाई बात तो पते की कहती हो। देखिए साहब, अच्छा चलिए, रिहर्सल के लिए देर हो रही है। चलिए धर्मू, अरे ओ धर्मू, मुआ फिर कहीं मर गए? छोटे बाबू आप यहां कहां जा रहे हैं? अंदर आइए ना। धर्मू, जहां इंसान की इज्जत नहीं वहां रहकर भी क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। मौत? राम 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 राम, ऐसा आप कभी भूले से भी ना सोचिएगा। तुम नहीं जानते धर्मू, जिस पे गुजरती है वही जानता है। छोटे बाबू, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाता हूँ, फिर दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए जाइएगा नहीं। लीला, ओ लीला, अरे ओ ऊंट, सुबह से क्या हुआ अब आ रहा है? अरे मैं पूछती हूँ, भाजी लेने गया था या पूरी मार्केट खरीदने? जी क्या बताऊं भाई जी, रास्ते में एक आदमी की मोटर से टक्कर हो गई, बेचारे की चिड़िया सी जान फुर से उड़ गई। मुए, तू मोटर के नीचे आकर मर जाता तो दुनिया का पाप ही कट जाता। मैं मोटर के नीचे क्यों आता भला, मैं सड़क पे थोड़ी चलता हूँ सेठारी जी, फुटपाथ पे चलता हूँ। फुटपाथ के बच्चे, चल दिखा के आगे। भाजिया लाया, भाजिया लाया। देखिए
कितनी अच्छी भाजी लाया, भिंडी, टमाटर, तोरी। ये भाजी लाया? जी। मैं पूछती हूँ ये भाजी लाया है? इसे आदमी खाएगा या जानवर? जी दोनों खा सकते हैं। तो खाएंगे तो ये पकाकर तुम खा लो और बाकी की तेरी बरादरी को जाकर दे दे। चल उठ हमारे लिए दाल पका ले जाकर। दाल कैसा ना हो भैया, तुझे मिलने आया भैया। आओ माँ कैसी है भैया? सब ठीक है। चाचा चाची चाची मम्मी अगरा वगैरह सब ठीक है। पहले अंदर चल मुझे पेड़े खिला। अंदर क्यों भैया, अंदर क्यों? तुझे यहाँ बर्फी खिला सकता, बता क्यों आया? बर्फी क्या बात है? बर्फी इधर तेरी तकदीर खुल गई है भैया। तो खुल गई कैसे? ये देख ये देख ये देख ये देखते हो क्या है? क्या है? डायरेक्टर का बुलावा है। डायरेक्टर वो कीर्तन वाला? अरे हाँ, मोटर वाला। क्या लिखा उसने? हम तुमको बुलाया है नाटक कंपनी में। बुलाया है नाटक कंपनी? भैया जरा उधर चल, जरा उधर चल, बात बात कर। छोटे बाबू, चमक बाबू, चमक बाबू कहाँ है, किधर है आप? अभी अभी तो याद है। भगवान कहीं वो खुदकशी करने तो नहीं चले गए? धर्मो आया सेठानी जी। भाई चमक बाबू, मुझे तो आपके आने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे तो 100% उम्मीद थी कि आप आएंगे और जरूर आएंगे। अच्छा जी, चमक बाबू आपके पास कहाँ आते? आपका खत इन्हें एक भी नहीं मिला। ये मैं हूँ कि इन्हें ससुराल से घसीट कर यहाँ ले आया। अच्छा जी, तब तो आपने बड़ा ही अच्छा किया, इसकी आपको दाद मिलनी चाहिए। क्यों डायरेक्टर साहब? जरूर जरूर। चमक बाबू हमने फैसला किया है कि आपको फी ड्रामा 600 रुपए दिया जाए, क्यों? ठीक है ना? 600 रुपए? आप इत्मीनान रखिए, पहला शो कामयाब होने पर और रकम बढ़ा दी जाएगी। और बढ़ाएंगे जी हाँ डायरेक्टर साहब। और मेरे लिए? हाँ जी आपके लिए, आपको 300 रुपए। 300 रुपए बस? आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दलाल साहब, वो बार तुमको कौन आदमी बुलाता है? माफ कीजिए मैं अभी हाजिर हूँ। अच्छी बात है। दलाल साहब आप बैठिए, मैं अभी आई। अच्छी बात है, जाना है। शुक्रिया। चमक देख, मैंने कहता था कि अपनी तकदीर खुल गई है। शाबाश शाबाश। हाँ लेकिन चमक एक बात सुन। क्या? 600 रुपए में से 300 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? माताजी को देने। बेचारे तो माताजी वाले मुझे लेने की मालूम है। वो बैठो ना, अपना डायरेक्टर साहब कौन थे ना, वैसा बनना है मुझे एकदम। हाँ डायरेक्टर बनना है तुझे। हाँ। और माता जी को कुछ नहीं? अरे माता जी बात कर। भाई चमक बाबू हाँ जी चलिए, आप लोग एडवांस भी ले लीजिए और आज का ड्रामा समझ लीजिए। चलिए अच्छे है। देखो चमक बाबू ये है हमारा स्टेज। वाह साहब बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। जिसमें आप दूध बेचने वाले भैया का काम करेंगे। दूध बेचने वाला भैया? जी क्यों करोगे ना? अच्छा साहब आप ये क्या पूछ रहे हैं, चमक को आपने समझा नहीं। अच्छा? मुझे जिस रंग में मिला दो मैं मिल जाऊंगा पानी की तरह। अच्छा भैया आप ड्रेस चेंज कर दीजिए। ड्रेस की बात क्या? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ड्रेस रूम में भैया। अच्छी बात है। उधर नहीं, उधर, इधर इधर इधर। अरे इधर आपके सभी ड्रेस रूम मालूम हो रहे हैं। बड़ा स्मार्ट है डायरेक्टर साहब। मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूँ। अच्छा, बचपन से हम दोनों एक साथ काम करते आए। क्या तय हुआ डायरेक्टर साहब? अजी चमक बाबू काम करेंगे। हाँ मेरा टमक टमक टम बोले, मेरा टम मेरा टमक टमक टम टमक टमक टम बोले मेरा टमको। ओ नाकी जी, ओ मम्मी जी,
बर्तन लेके आओ, सुधा भाई बर्तन लेके आओ, अरे भाई बर्तन लेके आओ। आया दूध वाला चमकू, आया दूध वाला चमकू चमकू, मेरा टमक टमक टम बोले मेरा टमकू, मेरा टमक टमक टम टमक टमक टम बोले मेरा टमकू। चाल चाल जामू काड़ो ले, चाल चाल जामू काड़ो ले, थारा दूध मा पानी भांडो तारो फूट गयो छे, भांडो तारो फूट गयो छे, तारी बात भेजानी मुआ, तारी बात भेजानी। क्या पानी? हाँ पानी, जो कुछ तुम बोले ओ भाई जी, जो कुछ तुम बोले ओ भाई जी का वो बोले हमको। हाँ हाँ तमको, मेरा टमक टमक टम बोले मेरा टमको। आया दूध वाला चमकू, मैं ते अग दे जदों दूध रखनी आ, ओए तेरा दूध फिट जांदा, फिटे मुंह तेरा दूध फिट जांदा। मैं ते अग दे जदों दूध रखनी आ, ओए तेरा दूध फिट जांदा, तक वे तेरा दूध फिट जांदा। पीके तेरा दूध, पीके तेरा दूध बच्चे बीमार होए, पीके तेरा दूध, पीके तेरा दूध बच्चे बीमार होए, ओए किसी तेरा साडा वैर निकल तो किसी तेरा साडा वैर, फिटे मुंह चमकू। सुधा भाई दूध मरह में बड़ी मलाई है, दूध मरह में बड़ी मलाई है, आया दूध वाला चमकू। चटके चांदनी रात गली नहीं, चटके चांदनी रात गली नहीं, तू गौ घेवन आलास, होय तू गौ घेवन आलास, पानी टाकुन दूध मधे तू, पानी टाकुन दूध मधे तू, कर तो रोज घोटाला, जा मिले कुड़न माथा, मारल भाव तुला रे, जा मिले कुड़न माथा, मारल भाव तुला रे। मुआ को खीर सुठो दे, 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 खीर में पाणी गडे तुदी ए दी रुपए जो सिर नात ती दी रुपए जो सिर, बारन जो को गीत पवेशल, बारन जो को गीत पवेशल, पवी नांग ते पेर, पवी नांग ते पेर। मुआ को मखन सब उते जा जाती, किस्मत जो जो फिर नाचती तीन जो करो वीर नाचती नागते पेर। मुआ को खीर सुठो दे, मुआ को खीर सुठो दे, दादा का धंधा दूध का कैसे करूं शैतानी, काकी झूठी मामी झूठी झूठी गैया रानी, राम कसम खा कर कहता हूं नहीं दूध में पानी, नहीं दूध में पानी। देखिए देखिए, मैंने कहता था कि हम दोनों अच्छा काम करते हैं। बहुत
अच्छे बहुत अच्छे। हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ समझती हो? जी, जैसे कि सब कुछ आप ही तो समझते हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं। मैं तो कुछ जानती नहीं। धर्मू, अरे ओ धर्मू, बाबू जी, मुझे चमक बाबू का पता है। मुझे मुझे क्या मालूम बाबू जी? तुम्हें भी मालूम नहीं, किसे ही मालूम नहीं, इस घर में किसी में भी मालूम नहीं। एक बात कहूं बाबू जी, बुरा ना मानो तो कहो। आज सुबह अपने घर पर उल्लू बोल रहा था। उल्लू? अबे गधे। गधे नहीं बाबूजी, उल्लू। गधा बाबूजी, उल्लू। अबे मैं चमक का पूछ रहा हूँ। सेठ जी, सेठ जी, चमक बाबू अब वापिस नहीं आएंगे। वो कहते थे कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। मौत? अरे भगवान, शायद उन्होंने खुदकशी कर ली हो। खुदकशी? यदि कि आपका लीला की माँ, ओ लीला की माँ, ओ लीला की माँ। क्या हुआ, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अरे हाय रे हाय, क्या हुआ, कुछ बोलो। तेरे दामाद ने खुदकशी कर ली। तुमको किसने कहा? धर्मू ने अभी कहा है। अजीब उल्टी खोपड़ी के आदमी है। मैंने कहा शायद खुदकशी कर ली होगी, इन्होंने तो रोना पीटना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? हे भगवान, यहाँ तो सबके सब अकलमंद हैं। चमक बाबू, चमक चमक बाबू, सेठानी। लीला की माँ, अब क्या होगा लीला की माँ? और नमक, आपके बच्चे शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक नहीं कर रहा, वो चमक बाबू आ गए। चमक बाबू, चमक बाबू, चमक बेटा, तुमने खुदकशी क्यों कर ली थी? मेरे कहने का मतलब ये है, तुम खुदकशी क्यों करना चाहते थे? ये तुमसे किसने कहा? लीला की माँ, इन बच्चों को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा, आओ बेटा, जाओ। ये मुझे धर्मू ने बताया है कि तुम खुदकशी करना चाहते थे। ओ हो, तो धर्मू ने आपको सब कुछ बता दिया है? हाँ। लेकिन बेटा, खुदकशी करना महापाप है। खुदकशी करने वाले को भगवान के यहाँ भी जगह नहीं मिलती। पिताजी, भगवान के यहाँ जगह मिले या न मिले,
लेकिन ससुराल में जगह मिल सकती है ना? ससुराल में क्यों जगह नहीं मिलेगी मेरे बेटे को? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ। कहाँ चले बेटा? खाना तो खा लो। पिताजी आज मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं जी? क्यों? मेरी आज दोस्त की दावत थी, वहाँ मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा अच्छा, तो तुम दोस्त के यहाँ गए थे? जी। ओ, चमक जी, बेटा सो नहीं जाना। हाँ, चंद जरूरी खतों का जवाब देना है। पिताजी आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। है? फुर्सत नहीं है? चंद खतों का जवाब देना है, जैसे कि मैं बाप को नौकर हूं। सुन लिया आपने, कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा तो ख्याल है धर्मू और चमक दोनों मिले हुए, एक तो कहता है खुदकशी कर ली और दूसरा दोस्तों के साथ गुरछरे उड़ाता फिरता है। चुप रहो जी, कुछ सोचने भी दोगी? सोचिए नहीं, समझाइए। अच्छा अच्छा, मैं समझा लूंगा। तुम क्या समझाओगे, अब तो मैं इस घर का दामाद बन के रहूंगा, दामाद। दामाद, आवाज ले धर्मो। ओ धर्मो, ऐसे ही ये लीजिए, जरा छोटे बाबू को बुला लाओ। बहुत अच्छा, अभी लो। सुनो, कहना कि तुम्हारा चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाओ बेटा। सेठ जी, सेठ जी, छोटे बाबू अंदर तो नहीं है? अंदर नहीं है? ताज्जुब है, ये सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? अजी आप किसे पूछ रहे हैं? जिसे आप पूछ रहे हैं वो तो सुबह से ही गायब है, जबकि चिड़ियां भी नहीं बोली थी। है? जी। ओ, धर्मू आओ बेटा, कमो तो उसको उसी पर जा बैठ, बैठो। देखो जी, लड़के के चाल चलन बदलते जा रहे हैं, मैं कहती हूं उसे रोकिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। ये रुपया लो और चले जाओ। देख लिया आपने, मैं कहती जरूर कोई ना कोई आफत मोल लाए हैं। अब जरा दम भी लोगी या यूं ही बड़बड़ करती रहोगी? मैं खुद यही सोच रहा हूं। सोचिए पिताजी, जरूर सोचिए, मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराने की क्या बात है गोदे गोदे मुकदे से घूंघट हटाव जो तड़पते मन को काहे सताव जो काहे सताव जो तड़पते मन को काहे सताव जो तड़पते मन को काहे सताव जो हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तो मैं कहा कुछ बोल रही हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। देखा लीला बेटी, मुझे कोई डांट रहा है, तू ही बता भला मैंने कुछ कहा है? चुप हो जा माँ, पिताजी को कुछ सोचने दो। अरे चमक बेटा, आओ बेटा आओ। मैं सटके जाऊँ? देखा जी, मेरा लालन कपड़ों में कितना अच्छा लगता है, जैसे लाट कर रहा हूँ। हट बेटी, बैठो बेटा, लो तुम चाय बनाओ, चाय बनाओ, जल्दी करो, लो जब तक ये पेस्ट्री खा लो। जी मुझे जल्दी जाना है।
लेकिन बेटा बच्चे बच्चों को स्कूल जाना हो या बाजार से भाजी पान लाना हो तो मैं हाजिर हूँ। अरे बेटा वो तो इत्तेफाक की बात थी। हाँ हाँ बेटा वो तो इत्तेफाक की बात थी। ये भी तो इत्तेफाक की बात है पिताजी। अच्छा सुन लिया आपने, कैसा टके कैसा जवाब दिया है। मैं तो ये पहले से ही जानती थी कि ये एक ना एक दिन जरूर रंग दिखाएगा। रंग दिखाएगा? अब तो मैं तुम्हारे पूरे बारह बजाऊंगा। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन छोड़ दिया दरबार बना सन्यासी। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। मोहरतियां नींद ना आए हाय रे, मोहरतियां नींद ना आए रे, बलम तेरी याद सताए रे, हाय रे हाय रे। ओ जोगी जी ओ जोगी जी, मोहरतियां मोहरतियां नींद ना आए हाय रे, मोहरतियां नींद मेरे जाने से क्यों निकले हाय रे तेरी हाय रे रात सुहानी हो रात सुहानी चमके तारे रात सुहानी चमके तारे मस्त नजारे मस्त चांदनी मस्त नजारे घर में रहूं तो घर में रहूं तो झाड़ू डंडा ओ योगी बनूं तो शोर मचाए ओ ऐसी बातें तेरी हमको ऐसी बातें तेरी हमको एक नजर ना भाए रे तू काहे दिल जलाए रे। मोहरतियां नींद ना आए हाय मोहरतियां नींद ना आए रे बलम तेरी याद सताए रे हाय रे हाय रे। हो पैया पड़ू तोरे था ये झूठा खेल।
नगर में, रूप नगर में जोग जोग था, आते ही हो जाए रे, आते ही हो जाए रे, भोला मुखड़ा तेरा जोगी, भोला मुखड़ा तेरा जोगी, देख दिया ललचाए रे तो निकले आए रे, मोहे रतिया नींद ना आए, नींद ना आए रे बलम तेरी याद सताए रे आए रे आए रे। सेठानी जी, सेठ जी, सेठानी जी, ओ बाप रे, सेठ जी खत्म। क्या है, नाच क्यों रहा? अजी खत्म हो गया, बम्बई में दिन धाड़े चोरी। चोरी? आप देखिए। अरे हाँ, चोरी? पढ़िए पढ़िए। शहर में दिन दिहाड़े डाका, जो लापता है पुलिस तहकीकात कर रही है। पढ़िए ना, जरा जल्दी पढ़िए ना, मुझे तो गुंडे पे शक हो रहा है। पढ़ तो रहा हूँ, शोर क्यों मचा रही है? अच्छा अच्छा, आगे पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, अफजा चोर का हुलिया सुन। लिखता है कि दरमियाना कद, गोल चेहरा, चौड़ी पहचानी, तोते जैसी नाक, ये बड़ी बड़ी आंखें, स्लेटी सूट पहना हुआ है और सर पे अंग्रेजी हैट ओढ़े। हाय राम, ये हुलिया तो बिल्कुल अपने चमक से मिलता जुलता है। क्या हुआ पिताजी, बोलिए ना। कुछ नहीं बेटी। छोटी सेठानी जी, बहुत बड़ी खबर है। हाँ सेठ जी, अगर छोटे बाबू ने ऐसा किया है तो बहुत बुरी बात है। अरे चुप रहे, चुप चुप के बच्चे, देख लिया अब तो पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। मैं ना कहती थी कि वो एक ना एक दिन जरूर कोई आफत मोल लाएगा। मुझे क्या मालूम था कि चमक मेरी सफेदी में कालक लगाएगा। कोई बात नहीं पिताजी। हा? वो आ रहे। कभी अच्छी अच्छी खबरें भी सुनाया करो जी। आओ बेटा, क्या बात है? वो तुम्हारी सास को अच्छी खबरें सुनने का बड़ा ही शौक है। ओ, तुम तो जानते हो आजकल अखबारों में अच्छी खबरें आती ही नहीं। बस यही कुछ होता है, कहीं जलजला आ गया, कहीं ट्रेनें टकरा गई, कहीं कहत पड़ गया, लोग मर गए। ठीक है ना पिताजी, इसके अलावा और भी खबरें आ सकती हैं। कहीं चोरी हो गई, कहीं डाका पड़ गया, कहीं बहुत से आदमी को जेल हो गई, ऐसी किस्म की तो बातें आती रहती है पिताजी और माता जी। बैठो बेटा, मुझे जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। मगर सुनो तो सही, थोड़ी देर तो बैठो बेटा। कब तक जुबान बंद रखोगे? अब तो वो हमारे पास बैठना तो बैठना, बात करना भी पसंद नहीं करता। आहिस्ता बोलो आहिस्ता, वो सुन लेगा। सुन लेगा तो 100 दफा सुन ले, मैं कुछ उससे डरती नहीं हूँ। तुम उसे जाकर पूछते क्यों नहीं? अगर उसे कपड़े की जरूरत थी तो हमसे रुपए मांग लेता, डाका मारने की क्या जरूरत थी? भगवान ना करे कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो नाक कट जाएगी। नाक पीछे 5 लड़कियां बैठी है, उन्हें कौन पूछेगा? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन? बिहारी लाल? जी हाँ, मैं बिहारी लाल हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? आप पुलिस इंस्पेक्टर है ना? फरमाइए क्या काम है। सुनो, अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे घर में चोर छुपा हुआ है। चोर मेरे मकान में? लीला की माँ, ओ लीला की माँ। सुनो, पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेने के लिए आ रही है। अगर तुमने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया तो याद रखना, तुमको भी जेल खाने की हवा खाने पड़ेगी। जेल की हवा खाने पड़ेगी इस उम्र में? ना ना ना, ना इंस्पेक्टर साहब,
वो चोरी तो मेरे दबाव में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे पुसल ना पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अरे ओ पुसल पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पुलिस ने चोरी मैंने की है, अरे चोरी लीला लीला धर्मो लीला अरे उठा बेटी, अरे उठा बेटी, उठाओ उस वाले तुम्हारे पिताजी को बचाओ। अरे लीला बेटी ऐसा ऐसा, अरे धर्मो सेठानी जी जरा घूम जाइए, जरा घूम जाइए, बाप रे मेरा हाथ। हाय माँ, ये तो बुखार है। लीला बेटी जरा जल्दी जाकर बर्फ की थाली ले आओ। अरे मुंह, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल दौड़ बर्फ लेकर आ। बहुत अच्छा, दौड़ दौड़ बहुत अच्छा। बर्फ माता जी, ये पिताजी क्या हो गया? मुझसे पूछ रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से तो हुआ है ना, तुम डाका मारते और ना हमें ये दिन देखना नसीब होता। ओ, तो मतलब ये है कि आपको सब कुछ मालूम हो चुका है? मालूम कैसे नहीं होता, इतना बड़ा बंबई शहर है, रोजाना के अखबार नहीं छपते, अखबार वाले भला किसकी इज्जत रखते। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जिसके रुपए लाए हो उन्हें वापस लौटा दो। अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर का टेलीफोन आया था, उसी की वजह से ये बेहोश हो गए। बेटा हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। माता जी ये सब ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बेटा तुम्हारी एक शर्त नहीं, हमें सब शर्तें मंजूर है। तो सुनिए माता जी, पहली शर्त ये है कि तुम्हारी और पिताजी की मैं कोई बात नहीं सुन सकता। हमें मंजूर है बेटा। क्यों? दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे बच्चों को मैं स्कूल नहीं ले जा सकता। हमें सब कुछ मंजूर है बेटा। तीसरी शर्त ये है कि पिताजी के रात को 2 बजे तक मैं खत नहीं लिख सकता। हमें सब कुछ मंजूर है बेटा, तुम रुपए वापस लौटा दो। अगर आपको सब कुछ मंजूर है तो लाइए रुपए। चलो बेटा रुपए दो। कहा? अंदर बेटा। रेडी? मैं यहाँ हूँ। अरे क्या हो रहा है? जीजाजी इसने जान के ही टक्कर थोड़ी मारी थी। खामोश, याद रखो आइंदा ऐसी हरकत होने पाए, समझी? माता जी आई बेटी आई, ये लीजिए। धर्मो नहीं आया? धर्मो, ओ धर्मो आया थे कहीं? अरे मुए, ये बर्फ लाया है। अरे इतनी बर्फ ला के थैली भर जाए, मुझे इनके सर पे रखनी है। अच्छा हाँ, जल्दी जा, अभी लाया अभी। लीला बेटी जा, तुम डॉक्टर को टेलीफोन करो। मुआ जी ये भी जाम हो गया है। हाय राम, अरे ओ कहा था बर्फ के टुकड़े लेकर आना और उठा लाया सिर। इसलिए सेठानी जी के सेठ जी फौरन ठंडे हो जाएंगे। क्या कहा? सेठ जी फौरन ठंडे हो जाए? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब का बच्चा, चल दूर हो जा। लीला की माँ पुलिस घर में आ रही है, पुलिस घर में आ रही है। पुलिस आए हमारे दुश्मनों के घर, आप घबराइए नहीं,
मैंने चमक को रुपए दे दिए हैं, वो वापस लौटाने गया है। आइए आइए, आज रात को मास्टर चमक का नया और निराला खेल। मास्टर चमक का नया खेल। अरे देख, मास्टर चमक पहली बार धोबी का पाठ अदा कर रहे हैं। मास्टर चमक पहली बार धोबी का पाठ अदा कर रहे हैं। जीजा जी का फोटो। जीजा जी का फोटो, चलो देखे। अरे ठहर, दीदी को बुला ले। दीदी, ओ दीदी। क्यों शोर मचा रही हो शीना? शोर नहीं मचा रही दीदी, उधर जीजा जी का फोटो। जीजा जी का फोटो? हाँ दीदी, उधर। दीदी चलो देखे। जो नहीं देखेगा पछताएगा, जो नहीं देखेगा पछताएगा। आंख वाला मास्टर चमक का तमाशा देखे मेरे प्यारे भाइयों, जो नहीं देखेगा पछताएगा। आइए आइए। तो अब तक हमें बुद्धू बनाया जा रहा था, अब समझी। मुनि जा, ड्राइवर को कहे गाड़ी बाहर निकाले। इसको दादा झूठ कहेंगे तो से राम कसम, राम कसम इल्जाम धरे हैं बैर करे ये मोसे। राम कसम इल्जाम धरे हैं बैर करे ये मोसे। तू छोरी दे छोरी दे छोरी छोरी दे। बड़ा शरीफ है मेरा छोरा, बड़ा शरीफ है मेरा छोरा। ओ छोरी छोरी झूठ के बोले, ओ छोरी झूठ के बोले। सुंदर देख के मोरे ललन को क्यों तेरा मनवा डोले, ओ छोरी क्यों तेरा मनवा डोले। बड़ा हित है, बड़ा हित है ओ तेरा छोरा। बड़ा हित है, बड़ा हित है ओ तेरा छोरा। बीच नगरिया घेरे, बीच नगरिया घेरे। धोबियर तेरा छोरा, ओ तेरा छोरा। क्यों रे धोबनिया, लगाई बुझाई तो करके चली, पर मैं तो को समझूंगा। लगाई बुझाई तो करके चली, पर मैं तो को समझूंगा। भरी बजरिया में ओ छोरी, भरी बजरिया में ओ छोरी। तेरी खबर मैं लूंगा, अब तेरी खबर मैं लूंगा। कैद कर दूंगी मैं, घबरा गई तेरे छोरे से। फिरे है पीछे मोरे, फिरे है पीछे मोरे। धोबिया रे तेरा छोरा, ओ तेरा छोरा। सियोरा 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 सियोरा
मुखिया के छोरे से छोरी, मुखिया के छोरे से छोरी, काहे करे तू लड़ाई, माफी मांग ले ओ छोरी, माफी मांग ले, मैंने ललन से कर दी तेरी सगाई। हो गया तेरा मेरा मेल, हो गया तेरा मेरा मेल, हो गया तेरा मेरा मेल, हो गया तेरा मेरा मेल। आप यहाँ भी पहुँच गए? और कहाँ जाती? तो और कहाँ जाती, तो यहाँ क्या था आपका? आप क्या कर रही? अब बग्गू अब आप कहाँ जाएंगे? मैं सब कुछ समझ चुकी।